अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और आज हम करेंगे वर्ड रैप एंड वर्ड ब्रेक टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम रीड करते हैं। आपके सामने एक मैंने डिक ली हुई है, ठीक है, और बॉर्डर से कुछ वर्ड जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। इनको ब्रेक करके आप किस तरह इसके अंदर लेके आएंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड रैप, ठीक है। ये तो काफी लेंथी वर्ड के लिए वर्ड रैप यूज होगा। अगर इसके अलावा इससे कुछ कम जो लेंथी वर्ड है उसके लिए हम जो यूज करने वाले हैं उसको हम कहते हैं वर्ड ब्रेक, ठीक है। वर्ड ब्रेक का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी वर्ड है हर वर्ड का हर डिजिट जो है वो ब्रेकेबल हो जाएगा, यानी कि वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चले जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इसके कोड कैसे लिखते हैं और इसकी टाइप क्या है। वर्ड रैप है हमारे पास, तो इसको हम इसकी टू टाइप है। एक तो है हमारे पास ब्रेक वर्ड, ठीक है, आप जितने भी लेंथी वर्ड है उसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी नॉर्मल है, इसको यूज करें ना करें वो बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। इसके बाद हमारे पास है वर्ड ब्रेक, ठीक है। वर्ड ब्रेक को आपको मैंने पहले बताया कि वर्ड ब्रेक आल, ठीक है, हर वर्ड यानी कि यहाँ पे जितने भी वर्ड नजर आ रहे हैं इसका हर डिजिट जो है वो ब्रेक हो जाएगा अगर आप ब्रेक ऑल लगाएंगे, ठीक है। और कीप ऑल का मतलब बाय डिफॉल्ट है, अगर आप यूज करें ना करें वो वर्क वैसे ही करेगा जैसे कि बाय डिफॉल्ट वर्क होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो आपके सामने एक फाइल है, ठीक है, तो इसको मैंने एक डिप दी है और डिप को हमने यहाँ पे क्लास ली है यानी कि आईडी ली है। आईडी को मैंने एक विड्थ दी है और देन मैंने बॉर्डर दी है, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है, ये देखें। तो इसके अंदर आप सबसे पहले तो हम वर्ड रैप जो है उसको देखते हैं कि वो किस तरह काम करती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक वर्ड आप ऐड कर दें, जैसा कि मैं अपना नाम ही लेता हूँ, जैसा कि शफीक लिया मैंने, तो इसको मैं काफी लेंथी सारा लूंगा ताकि ये ओवरलैप कर जाए, ठीक है, ठीक है। इसको आप सेव करो और इधर जाके आप यहाँ पे रन करो, ठीक है, ये देखें ये ओवरलैप कर गया है, ठीक है। अब हम इसको कैसे इसके अंदर लेके आएंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड रैप, ठीक है। वर्ड रैप आप यूज करेंगे और इसके अंदर आप लेंगे ब्रेक वर्ड। यहां पे हमारे पास आल नहीं आ रहा, तो इसलिए ये जो एक लेंथी वर्ड है उसी को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये देखें ये इसके अंदर आ चुका है। इसके अलावा अगर आप किसी और वर्ड के अंदर आप थोड़ा सा लेंथी करते हैं उसको, तो उसको ये ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोई एक लफ्ज जो है उस वहां से हम देखते हैं, तो यहाँ पे एंड पे आ रहा है ये वाला, तो इसको हम थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी ऐड कर दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस वर्ड को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा और आप लेंथी करें, ये देखें इसको ये नेक्स्ट लाइन में ले आया ताकि, और ब्रेक यहाँ पे उसने नहीं किया। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो आपको यहाँ पे होगा वर्ड ब्रेक, ठीक है, और आप यहाँ पे यूज करोगे ब्रेक ऑल, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और इधर जाकर मैं इसको रन करूंगा, ये देखें उसने ब्रेक कर दिया हर डिजिट को, ठीक है। अब ये इधर आ रहा है, ठीक है, ये लोरम का आप देख सकते हैं LOR इधर है और M यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह ये तमाम लिप्सम, ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं ये इसको इसने अलग कर दिया, इसी तरह तमाम को ये ब्रेक कर रहा है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसको हम कहते हैं कीप ऑल, तो उसको आप यूज ना ही करें, अगर कर भी लें तो उसका कोई भी यहाँ पे रद्देमल नहीं होगा, ठीक है। की बॉल मैंने लिया यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे जाके रन करो तो आप देख सकते हैं वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। और इसी तरह दूसरे की जो वर्ड रैप था उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास थी वो नॉर्मल थी, तो आप यहाँ पे जाके नॉर्मल भी यूज करोगे वर्ड रैप के अंदर, तो वो भी यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेंगी। तो
तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें।